अजरबैजान का एक अहम तरीन स्टेट मॉन्यूमेंट जिसका नाम लाल गांव है। कहने की हद तक और सुनने की हद तक तो ये गांव है, तो मौजूदा दौर में शहरों से भी ज्यादा जदीद ये गांव है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट से खुश आमदीद। मोहम्मद तैयब चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में आपको अजरबैजान का एक अहम तरीन स्टेट मॉन्यूमेंट दिखाया जाएगा जिसका नाम लाल गांव है। जी हाँ, यकीनन नाम और तमीर दोनों लिहाज से यह दुनिया का एक मुनफरद तरीन गाँव है। कहने की हद तक और सुनने की हद तक तो ये गाँव है, लेकिन जब आप इस गांव को विज़िट करेंगे तो मौजूदा दौर में शहरों से भी ज़्यादा जदीद ये गांव है। मैं इस टाइम अजरबैजान के रेड विलेज में मौजूद हूं, जो कि माउंटेन ज्यूज़ यानी पहाड़ी यहूदियों का एक गांव है। जितने भी यहूदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मंजे तरीन सियासतदान हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक इस विलेज से है, और जितने भी बा असर कारोबारी शख्सियात हैं बा असर अफराद का ताल्लुक भी इसी विलेज से है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस विलेज को रेड विलेज क्यों कहा जाता है, लाल गांव क्यों कहा जाता है। इसके मुतलिक मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आम और समझ में आने वाली रवायत है वो यही है कि यहाँ के घरों की कंस्ट्रक्शन में रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। घरों की अक्सरियत की छतों का रंग लाल है, जिसकी वजह से इस गाँव को रेड विलेज कहा जाता है यानी लाल गाँव कहा जाता है। तो इस विलेज को जब आप विज़िट करेंगे, यकीनन इस तर्ज का विलेज आपने आज से पहले विज़िट नहीं किया होगा। कुदरती हुसन और बनावट के लिहाज से, नाम के लिहाज से दुनिया का एक ये मुनफरिद तरीन गांव है। रेड विलेज के मुतलिक आपको कुछ अहम तरीन मालूमात फ्राहम करना मकसूद है। इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ रेड विलेज में, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे जुम्मा मस्जिद के मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। ये जुमा मस्जिद है, और ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि बहुत से सदियों से, क्योंकि ये गांव मेन ट्रेड रोड गुबा के साथ कनेक्ट है, ये जो मेरे पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये 18th century में तमीर किया गया था। क्योंकि ये रेड विलेज को गुबा के साथ कनेक्ट करना था, जो कि एक मेन ट्रेड रोड है गुबा की, तो और ये बिल्कुल साथ इनका सिनेगॉग है। तो ये सारे मनाजिर दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे सदियों से मुसलमान और यहूदी एक साथ रह रहे हैं और इंतहाई पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। एक साथ काम भी करते हैं, एक साथ रह भी रहे हैं, एक साथ खाते भी हैं। और गुबा जो कि एक भरपूर सकाफ़ती डिस्ट्रिक्ट है अजरबैजान का, और ये जो रेड विलेज है ये एक दुनिया का मुनफरिद तरीन विलेज है। रेड विलेज को अजरबैजानी ज़ुबान में किरमजी कस्बा कहा जाता है। किरमजी अजरबैजानी ज़ुबान में लाल यानी रेड, और कस्बा टाउन या विलेज को भी आप कह सकते हैं। पहाड़ी यहूदी कॉकेसस रीजन में कब से मौजूद हैं इसका कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये हज़ारों सालों से इन्हीं जगहों पे रिहाइश पजीर हैं। अगर पहाड़ी यहूदियों की बात की जाए तो ये जो फारसी यहूदी थे उन्हीं की नस्ल से चलते आ रहे हैं, और 17वीं सदी के अवायल में इन्होंने दागिस्तान की पहाड़ियों के इर्द गिर्द बहुत से छोटे छोटे देहात बनाए। उसके बाद 18वीं सदी के अवायल में नादिर शाह के हमले में इनके बहुत सी बस्तियाँ तबाह हुई और इनको नई जगहों की ज़रूरत पड़ी। उस मौके पे इस जगह के जो रूलर थे, जो इस जगह को रूल कर रहे थे, हुसैन अली ख़ान, उन्होंने इत्तफाक किया कि वो इस जगह के ऊपर अपना एक गांव या अपनी एक बस्ती की तमीर कर सकते हैं। तो तब ये गांव वजूद में आया था। मुख्तलिफ अदवार के बादशाहों ने पहाड़ी यहूदियों को सरहदों पर हिफाजत के लिए भी मामूर किया था। तो इस टाइम मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये जगह इनकी सिनागॉग है, इबादत गाह है। अगर इनके मसबी अकायद की बात की जाए तो इनके ये इनकी इबादत गाह है, और जो इनके सिनागॉग्स में जो मसबी फ़रायज़ अंजाम देता है उसको ये रबी कहते हैं,
और जो इनके स्कूल्स में मजहबी तालीम देते हैं उनको भी ये अरबी कहते हैं। इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ से आपको रेड विलेज का एक टॉप व्यू और पैनोरामिक व्यू मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि सुनने की हद तक इसको विलेज कहा जाता है, देखने में ये मौजूदा दौर के शहरों से भी ज़्यादा जदीद है। तो आप देख सकते हैं कि बेशतर घरों की छतों का रंग रेड कलर का है और कंस्ट्रक्शन में रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो यकीनन ये एक अनोखी किस्म की तामीर है जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी और इस तर्ज का विलेज भी नहीं आज से पहले आपने देखा होगा। तो इस जगह से आपको एक टॉप और पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। और कुछ मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ज्यूइश ग्रेवयार्ड भी है और बहुत से मंजे तरीन सियासतदानों का और बाअसर कारोबारी शख्सियात का ताल्लुक भी इस विलेज से है। तो इस तरह जो बाअसर ज्यूइश कम्युनिटी के जो अफराद हैं उनका ताल्लुक इस विलेज से है, जो वक्तन फवक्तन यहाँ पे आते हैं, उनकी यादें वाबस्ता हैं इस गांव के साथ। तो यकीनन आज की इस वीडियो में आपने नाम और तमीर दोनों लिहाज से ही दुनिया का एक मुनफरिद तरीन गांव देखा होगा।